चलो तो आज पढ़ना अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्स इक्वेशन। ठीक है पीयूष, बोर्ड की तरफ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्स इक्वेशन, तो देखो इसमें हमको क्या पढ़ना है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे की चीज समझेंगे। ठीक है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज ओवर एंड द रिएक्शन विल अटेन इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, जीरो। अभी ई सेल इक्वल टू जीरो मतलब पूरी बात समझो जरा, हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, ये कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था वैभव। हाँ सर। चलो ये हमने कुछ सेल पढ़ा था इस तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास, इसमें हमने यहां पर ZN रॉड ली थी, इधर कॉपर रॉड ली थी। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे इस तरीके से, ये एनोड का काम कर रहा था, ये कैथोड का काम कर रहा था। ठीक है, ZN आयन आपके सॉल्यूशन के अंदर आ रहे थे इस तरीके से। ठीक है, कॉपर के आयन्स इधर कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे, पूरी प्रोसेस चल रही थी। ठीक है, अब डेनियल सेल चल रहा था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इस तरीके से काम कर रहा था। जेड एन प्लस आयन धीरे 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 पूरे सॉल्यूशन में आ जाएंगे, तो एक टाइम तो कभी ना कभी तो इसके जीवन में ऐसा आना है, कोई सा ऐसा टाइम तो आएगा कि सारे आयन्स निकल जाएं। मतलब जो लाइन लिखी है अपन ने कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा था वो कितना बताने लग जाए, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बताने लग जाए मतलब क्या, सेल में रिएक्शन रुक गई, सेल आपका क्या हो जाएगा, एक ऐसा टाइम होगा कि सेल काम करना बंद हो गया, तब ई सेल की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ये सेल की वैल्यू क्या निकलेगी, जीरो ही निकलेगी। तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सब पास होना बंद हो गए, तब उस कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या लगाएंगे, नर्स इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे, तब हम नर्स इक्वेशन यूज करेंगे। तो देखो आपको पता है नर्स इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी, क्या थी नर्स इक्वेशन, कुछ ये थी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ, प्लस आर टी नहीं आर टी एन एफ लॉग बेस 10 क्यू। ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब देखो यहां पर अगर मैं इसी सेल को 298 केल्विन टेम्परेचर पर लूँ तो अपन इसको कन्वर्ट भी कर लिया था, क्या अगर 298 पर रखेंगे अपन टेम्परेचर, यहां पर आर की वैल्यू आपको पता है, ठीक है एफ की वैल्यू आपको पता है, अपन ने पढ़ा है सब कुछ, तो ये ओवरऑल क्या निकल के आता था हमारा, ई सेल इक्वल्स टू निकल के आता था ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी हमने, लॉग बेस 10 क्यू, ये नर्स इक्वेशन है। अब इसको अगर हम इक्विलिब्रियम में लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी जीरो, मतलब यहां पर हम क्या रख देंगे, यहां पर हमने रख दिया जीरो। ठीक है पीयूष, यस सर, सही में, हाँ सर, हाँ। तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग बेस 10 क्यू। ई सेल को उधर, ई नॉट सेल को उधर लेके जाओ स्टैंडर्ड कंडीशन पर पोटेंशियल आपका, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ई नॉट सेल, और इधर बचेगा हमारे पास माइनस 0.0591 बाय एन लॉग बेस 10 क्यू, बाकी सब वही, पूरी वही कथा है जो नर्स इक्वेशन में पढ़ी है अपन ने, सब कुछ वही है, बस चेंज ये करा हमने कि सेल की वैल्यू और पहले से जीरो रख दी। फिर वही इनोड सेल को हम क्या करेंगे, कैथोड माइनस एनोड निकाल के करेंगे, चलो एक चीज और कर देते हैं, माइनस से माइनस निपटा देते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास, इनोड सेल इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0.0591 बाय एन लॉग बेस 10 क्यू। ठीक है, ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक बात और ये है कि यहां पर हमने ये क्यू मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन कॉफिशेंट, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, अब इस रिएक्शन कोशेंट की जगह हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी है। इस क्यू का मतलब था कि आपके कोई से सेल में भी आयन्स का कंसेंट्रेशन, ठीक है आयन्स का कंसेंट्रेशन, लेकिन अब चूंकि आयन का कंसेंट्रेशन हमारा क्या हो गया है, कॉन्स्टेंट निकल के आ गया, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की कंडीशन पर आ जाएगा, तो इस क्यू की जगह आप क्या लिखोगे, इस क्यू की जगह आप चेंज करके लिख दोगे ई नॉट सेल
इनोड सेल इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग लॉग बेस 10 केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्यू की जगह क्या आ जाएगा केसी, क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका केसी, कांस्टेंट पर आ गया आपका कंसेंट्रेशन, इसलिए क्यू की जगह क्या लिखोगे आप केसी लिखोगे। तो आपकी केसी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो किस तरीके से केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, इतना नोट कर लो, मैं जल्दी से बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी नोट कर लो। हाँ तो मनुष्य यहां तक नोट कर लिया अपन, इसके बाद देखो अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, हमको लॉग केसी की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, ई नॉट सेल हमारे पास दिया हुआ है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग बेस 10 केसी, ये वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। अगर यहां से मेरे को लॉग केसी की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे वैभव, कैसे निकालेंगे लॉग केसी की वैल्यू, हाँ लॉग केसी इक्वल टू लॉग बेस 10 केसी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ जल्दी से बताओ, एन इंटू एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। अब मैंने यहां पर आपको एक चीज और बताई है, एक बार बार मतलब अगर एन की वैल्यू टू आए, एन की वैल्यू टू आए यहां पर इसी जगह, ये देखो अगर बहुत सारे क्वेश्चन में क्या हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके बैलेंस इक्वेशन में टू ही आ जाते हैं ज्यादातर, तो आपको वो वैल्यू सीधे याद रख लेनी है, 0.0591 डिवाइडेड बार अगर एन आए, एन की जगह टू आए तो आप क्या लिख सकते हो उसकी जगह 0.0293, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो 295, है ना, ये भी याद रख लेना। फिलहाल ये हमारा फॉर्मूला बना, ये लॉग बेस 10 केसी का फॉर्मूला बना। अब आपसे बोले कि केसी निकालो, केसी निकालो, कैसे निकालेंगे दीपक, ए दीपक केसी कैसे निकालेंगे, अगर केसी निकालना है आपको तो लॉग को इधर लेके आओ और लॉग को अपोजिट साइड पटकते हो आप तो एंटी लॉग बन जाता है, तो क्या हो जाएगा केसी कोस्ट हो जाएगा एंटी लॉग, आपको एंटी लॉग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एंटी लॉग एन इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। तो इतना नोट कर लो, मैं अभी आपको लॉग और एंटी लॉग भी बताता हूँ। चलो तो अपन ने वो फॉर्मूला नोट कर लिया था केसी का, केसी की वैल्यू मैंने बताता हूँ, वहाँ पर एंटी लॉग यूज़ करना पड़ेगा, तो अगर एंटी लॉग निकालना तो उससे पहले लॉग पता होना चाहिए आपको, मैं लॉग के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ फिर एंटी लॉग के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, ठीक है। देखना इधर लॉग के बारे में समझेंगे हम, सबसे पहले लॉग के बारे में समझो, लॉग दो तरीके से निकाला जाता है, लॉग की दो वैल्यू होती है, लॉग दो बेस पर होते हैं, लॉग बेस ई और लॉग बेस 10। हमारा जो सिलेबस है, हमारे जो हम 11, 12, 9 वगैरह में हमने जो पढ़ा है वो हमने लॉग बेस 10 पर वैल्यूज पढ़ी हैं, तो लॉग बेस 10 पर कैसे निकालेंगे, अगर लॉग ई दिया हो आपको या आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी, लॉग ई अगर दिया हो तो लॉग ई को कैसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करवाते हैं, तो इस तरीके से कन्वर्ट करवाते हैं 2.303 लॉग बेस 10, लॉग ई की जगह आप क्या लिख दो 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है। तो एक चीज़ तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, आगे पड़ेगी अभी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ फॉर्मूलेज लिखे मैंने, जो कुछ बेसिक फॉर्मूले सारे तो लिखे पर जो जो काम के, एक फॉर्मूला और लॉग ई टू द पावर एक्स अगर आए, लॉग ई टू द पावर एक्स तो हो जाता है लॉग सॉरी ई टू द पावर एक्स, अगर e टू द पावर x ये पर्टिकुलर e टू द पावर x लिखा हुआ है तो, हाँ log a प्लस log b हो तो वो जाता है log a इन टू बी, ये फॉर्मूला होता है, log a माइनस log b तो उसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास log a बाई बी, a बाई बी हो जाता है ये, ठीक है, a डिवाइडेड बाई बी। log x टू द पावर n हो, कुछ भी हो सकता है x टू द पावर n का मतलब, x टू द पावर n मतलब यहाँ पर हो सकता है 5 टू द पावर 6, तो ये 6 आगे आ जाएगा 6 log 5 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है n log x, तो ये कुछ फॉर्मूले और यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज भी लिखी हुई है मैंने, कि अगर आपके पास लिखा हुआ है लॉग बेस 10 ये लॉग पर ही चलेगी सारी वैल्यू, बेस 10 पर ही हमको, तो लॉग बेस 10 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 0.3 भी याद रख सकते आप, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30। अब यहाँ के बाद आपको 2 की वैल्यू याद हो गई तो आप 4 की वैल्यू और 8 की वैल्यू याद रख सकते हो, ठीक है, 2 की वैल्यू पता है, 4 की वैल्यू इसकी ठीक डबल,
4 की वैल्यू थी इसकी डबल, ठीक है 0.6020, ये 4 की वैल्यू हो गई। हाँ उधर पीछे वहीं बढ़िया बढ़िया वहीं इधर उधर कहाँ घुसे, ठीक है चलो। लॉग 4 की वैल्यू थी 0.6020, लॉग 8 की वैल्यू देखो जरा, यहाँ पर अपन ने 3 का पहाड़ा कर दिया है, 3 × 6 = 6 × 12, हाँ मतलब 3 × 6 = 9, चलो ठीक है चलेगा, गणित कमजोर है मेरा थोड़ा सा, ठीक है चलो। खैर ये 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 4 की वैल्यू होती है 0.6020 और लॉग 8 की वैल्यू होती है 0.90, ठीक है 3 × 6 = 3, सही तो बोला मैं, हाँ ठीक है चलो। उसके अलावा लॉग 4 की वैल्यू 5 की वैल्यू दी हुई आपको, मतलब कुल मिला के ये सारी इतनी वैल्यू तो याद रखनी है आपको, इतनी वैल्यूज याद रखनी है, काम आसान करेगा आपका लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 की वैल्यू हो जाती है 1, बात खत्म। अगर लॉग 100 दे आपको तो उसकी वैल्यू होती 2, लॉग 1000 दे तो आपको उसकी वैल्यू होती 3। तो ये कुछ वैल्यूज दी हमको, ये लॉग की वैल्यूज याद रखनी है आपको, इतना अगर आपने काम कर लिया तो पूरा लॉग हो जाएगा आपका, ठीक है चलो चलो। मनीष वो उधर का गेट लगा दे जरा, अगर इतना पढ़ लिया आपने तो नोट कर लो फटाफट, में एंटी लॉग बताने वाला हूँ आपको इसके बाद। चलिए नोट कर लिया होगा सबने, एंटी लॉग पे आता हूँ मैं, देखो जरा सभी लोग एंटी लॉग कैसे करेंगे अपन। एंटी लॉग में कुछ नहीं करना है, बस आपको बोर्ड की तरफ ध्यान से देखना है सभी लोगों को, ठीक है सभी लोग इधर देखेंगे बोर्ड की तरफ, किस तरीके से अपन एंटी लॉग निकालेंगे। तो एंटी लॉग निकालने के लिए यूज किया जाता है लॉग का, लॉग यूज कर लो एंटी लॉग अपने आप निकल जाते हैं, कुछ नया नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया आपको एंटी लॉग निकालो आप, सभी लोग बड़े ध्यान समझ लेना हमको यूज करने पड़ेंगे एंटी लॉग, केसी की वैल्यू जब निकालेंगे ना अपन, अभी अपन ने जो पढ़ के आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा एंटी लॉग यूज करना पड़ सकता है। तो मान लो आपको एंटी लॉग निकालना है 5.3 का, ठीक है भाई मनीष वैभव माधवी सभी लोग इधर ही देखना, एंटी लॉग 5.3 कैसे निकालेंगे अपन, देखो जरा किस तरीके से निकालेंगे इसको, अपन मैं टुकड़े करके लिख देता हूं, देखो सभी लोग एंटी लॉग ये जो 5 लिखा हुआ है, यहां देखो 5 और क्या लिखा हुआ है 0.3, मैं इसको ऐसे लिख दूं लॉग में कन्वर्ट कर दूं मैं, यहां पर लॉग का फॉर्मूला आपको पता है लॉग बेस 10 है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो मैं अगर इसको क्या लिखूं पावर के फॉर्म में लिखूं, इधर देखना सभी लोग समझना कि लॉग बेस 10 × 10^5, एक फॉर्मूला और है आपके पास कि लॉग अगर x टू दी पावर n हो तो वो क्या हो जाता है n log x, ये हो जाता है। इन दो फॉर्मूले के साथ समझना इस चीज़ को कि अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ ये लॉग बेस 10 × 10^5 कर दूँ, मैं बेस 10 हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बोले उलझो नहीं तुम लोग, इसलिए मैं सीधे लिख देता हूँ लॉग 10 × 5 प्लस साथ में चल रहा है ये 0.3। देखो मैंने ऐसा क्यों करा, अगला फॉर्मूला अगर मैं n पावर n को आगे लेके आऊं तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 log 10 या बेस 10, ये देखो और log बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये वापस क्या बचेगा सिर्फ 5 और 5 में आप 0.3 जोड़ दो, वापस क्या आ जाएगा 5.3 आ जाएगा। तो कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 5 को क्या लिख दिया लॉग बेस 10^5 प्लस 0.3। आगे देखिए हम यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले पता है, मैंने लॉग के कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे कि लॉग बेस 10 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3, लॉग बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.4, ठीक है। ये कुछ ऐसे वैल्यू लिखी थी हमने, इस तरीके से कुछ वैल्यू नोट करी थी हमने 0.4, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर 0.3 आ रहा है, 0.3 ये देखो यहाँ रहा 0.3, किसकी वैल्यू 0.3 लॉग 2 की, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या एंटी लॉग लॉग बेस 10 × 10^5 प्लस, ये देखो 0.3 किसकी वैल्यू है 2 की, तो लॉग बेस 10 2, बोलो क्लियर है इतनी बात। अब यहां पर देखो एक फॉर्मूला बन रहा है लॉग एम प्लस लॉग एन का, लॉग ए प्लस लॉग बी का, तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग,
ये फॉर्मूला बन गया आपका ये वाला log a प्लस log b इक्वल्स टू होता आपका log a इंटू बी, ये होता फॉर्मूला। बस वो कन्वर्ट कर लेते अपन ऐसे, तो लिख देता हूं मैं log, चलो 2 लिख देता हूं पहले, log बेस 10 2 इंटू 10 टू दी पावर 5। बोलो क्लियर है क्या बात? और ये log से एंटी log क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, तो आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर 5। इस तरीके से आप एंटी log की वैल्यू निकाल सकते हो, इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बोलो क्लियर है क्या बात, है ना? नोट कर लो, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इसका। चलो तो अपन क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल करते हैं ट्राई। देखो एक क्वेश्चन दिया मैंने बोर्ड पर, लिख दिया कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डेनियल सेल। डेनियल सेल के अंदर आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो क्या दी आपको इक्वेशन, Cu plus 2Ag plus that gives Cu2 plus plus 2H, और E नॉट सेल की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, 0.46। तो पहले अपन क्या करें, फॉर्मूला होता है हमारे पास E नॉट सेल इक्वल्स टू, अगर 298 केल्विन टेम्परेचर है तो 0.0591 डिवाइडेड बाय n होता है फॉर्मूला, n log बेस 10 केसी या log केसी जो भी है। n की वैल्यू देखो मैंने यहां पर लिखी हुई है, इस इक्वेशन को दो टुकड़ों में लिख दिया अपन ने। Cu से क्या बन रहा है, Cu2 प्लस का, जो दो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे, और देखो 2Ag प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन करके राइट में कन्वर्ट हो रहा है 2Ag में, तो n की वैल्यू है आपके पास 2, यहां से पता चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log Kc, ठीक है, और बिल्कुल Ac। अब देखो E नॉट सेल की वैल्यू भी दी हुई आपको, कितनी दी हुई है, 0.46 इक्वल्स टू, मैंने बताया था इसे डिवाइड करेंगे अपन, 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो फिक्स वैल्यू आएगी आपके पास 0.0295, ठीक है। ये वैल्यू साथ में क्या चल रहा है, लॉग केसी चल रहा है, ठीक, हमको लॉग केसी की वैल्यू निकालनी, इसको अपॉन में लेके जाओ तो 0.46 डिवाइडेड बाय 0.0295, साथ में क्या चल रहा है सर, ये लॉग केसी, इसको से डिवाइड करके देखो जरा, 0.46 डिवाइडेड बाय 0.295, मनीष कितना आएगा, 0.46 डिवाइडेड बाय 0.295, यस सर, 15.59, लॉग केसी, ठीक है। यह आपका किसकी वैल्यू, लॉग केसी की वैल्यू है, लेकिन आपको तो क्या निकालना है, केसी की वैल्यू निकालना है, तो लॉग को आपको उधर ले जाना पड़ेगा, लॉग को उधर जाएगा टाइम का टूट जाएगा एंटी लॉग में, तो केसी इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास, केसी इक्वल टू आएगा आपके पास एंटी लॉग 15.593। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस एंटी लॉग 15.593 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो जरा इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा रहा हूं, देख लेना आप लोग, देखो कैसे निकालेंगे, सभी समझो सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था करने का तरीका कैसे करेंगे अपन। तो आपको केसी की वैल्यू निकालनी है, केसी इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है एंटी लॉग, लिखा हुआ 15.593, ठीक है, तो 15.593 को मैं से लिख देता, देखो मैं से लिख देता हूं इसको, इसको लिख देता हूं मैं लॉग बेस 10, बताया था मैंने 15, इसको आगे लिख देता हूं मैं पावर में पावर 15, समझ में आया ना बात में, कैसे मैं 15 को वापस आके लेके जाऊंगा तो log base 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 15 प्लस साथ में क्या चलेगा, 0.59, है ना, 59 लिख देता हूं बस, ठीक है, क्लियर है। तो वापस 15 और ये दोनों जुड़ के वापस एक बन जाएगा, तो इसको अपन इस तरीके से लिखा है। चलो अब देखो आगे, Kc इक्वल्स टू एंटी log log बेस 10 10 टू दी पावर 15 प्लस log टेबल में 0.59 किसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स, जरूरी नहीं है, मेरे हिसाब से आपको पता होगा log बेस 10 4 की वैल्यू 0.60 होती,
लॉग फोर की वैल्यू, तो इसके लगभग आसपास ही देखो 0.59 मतलब लगभग भाई, तो अपन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.59 को भी ले सकता हूँ लॉग बेस 10 फोर, ठीक है, क्या लिख दिया हमने इसको 0.59 को लिख दिया लॉग फोर, या अगर थोड़ा सा और अपन आसपास चले तो 4 की जगह अपन 0.39 भी लिख सकते हैं लॉग बेस 10 की वैल्यू 39, बट लॉग फोर चलेगा चल रहा हमने इसमें, तो आगे अपन गणित पढ़ो केमिस्ट्री पढ़ो केमिस्ट्री पढ़ो। हाँ तो देखो आगे अब यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा आपका लॉग एन प्लस लॉग एन का क्या हो जाएगा, ये सी क्रस्ट आ जाएगा आपका एंटी लॉग लॉग एन प्लस एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम इंटू एन ये लॉग से एंटी लॉग निपटा आपकी केसी की वैल्यू आ गई 4 × 10^50 ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो छाप लो जल्दी से।